अच्छा कितने लोग पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे? दो तीन लोग करते थे, अब कितने लोग कर लेंगे? अब सभी कर लेंगे? देखिए इसमें केवल ट्रिक पे आधारित है कि फाइलों का नॉलेज होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एसए टेलीकॉम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी के स्टूडेंट हैं, ये हमारे हार्डवेयर फुल कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो कि इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है और इनकी सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। तो कौन कौन सॉफ्टवेयर कर लेंगे? सभी कर लेंगे। आपको एक बात बोला गया था सॉफ्टवेयर से पहले कि किसकी बज रही है, क्या बजनी चाहिए, अब बज रही है कि नहीं बज रही है, सॉफ्टवेयर अब कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मीडियाटेक की फ्लैशिंग हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एसपीडी हो, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो मीडियाटेक की फ्लैशिंग कर लेंगे, क्वालकॉम की, एमआई, सैमसंग, आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन भी कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलिए तो हम इनसे अपने स्टूडेंट से मिलाते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? मैं सोना दूँ, महाराष्ट्र से हूँ। आप महाराष्ट्र से आए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर कितने तरीके से होती है? सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होती है, एक सीपीयू वाइज और एक फाइल वाइज। वेरी गुड, मतलब सॉफ्टवेयर कितने तरीके से होती है? कोई ऐसा है क्या कि ओप्पो, वीवो, लावा, माइक्रोमैक्स, हमारा जो भी होगा अकॉर्डिंग सीपीयू और अकॉर्डिंग फाइल। तो हम बात करते हैं, आपने कितने दिन की क्लास हो गई है? कितने दिन की क्लास हो गई है? 5 दिन की क्लास हो गई है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, मीडियाटेक को मैं आपको लेकर चलता हूं। तो मीडियाटेक में कौन से ड्राइवर होते हैं? वीकॉम यूएसबी प्रीलोडर ड्राइवर हमारा यूज होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप खड़े हो जाओ, इसमें हमारे मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? वेरी गुड, मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? आप खड़े हो जाओ, मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होता है? मीडियाटेक में एसपी फ्लैश टूल यूज होता है। अब आप खड़े हो जाओ, मीडियाटेक में किस मोड में फ्लैश होता है? फ्लैश मोड में फ्लैश होता है। किस मोड में होता है? अब आप बताइए फ्लैश मोड क्या क्या हो सकता है? वॉल्यूम डाउन या दोनों या डायरेक्ट? मतलब आपका कहने का मतलब, या तो वॉल्यूम अप हो सकता है, या तो डाउन हो सकता है, या तो अप डाउन दोनों हो सकता है, या तो डायरेक्ट इंसर्ट केबल। तो आप हमें ये बताइए कि क्वालकॉम में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? सर क्यूडी लोडर 9008। वेरी गुड, कौन सा ड्राइवर यूज होता है? अब हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? .mbn। अगर हम आपको ये बात करें कि इसमें लोडर और हमारी कौन सी क्या क्या फाइलें होती है, आपको पता है कि नहीं पता है? XML फाइल और लोडर फाइल क्या होती है, आपको पता है कि नहीं है? चलिए ठीक है, अब आगे पूछते हैं, आप खड़े हो जाओ, क्वालकॉम में किस मोड में फ्लैश होता है? ईडीएल मोड में होता है। तो आप ये बता दीजिए ईडीएल मोड हम कैसे ला सकते हैं? वॉल्यूम अप डाउन या तो। अब हम बात करते हैं, आप खड़े हो जाओ, क्वालकॉम में कौन सा टूल यूज होता है? क्यू फील। और भी आपको पता है कि नहीं? मिरकल से, यूएमटी से, और कहां कहां से कर सकते हैं? सब जगह से कर सकते हैं ना। अगर आपको मिरकल से बोला जाए क्वालकॉम की फ्लैशिंग कर लेंगे, यूएमटी से बोला जाए कर लेंगे? चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम पूछते हैं, आप खड़े हो जाओ, सैमसंग में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? वेरी गुड, आप खड़े हो जाओ, सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? वेरी गुड, चलिए आप खड़े हो जाओ, सैमसंग में कौन सा टूल यूज होता है? चलिए ठीक है, अब आप बताइए सैमसंग में किस मोड में फ्लैश होता है? डाउनलोड मोड पे या तो ऑडिन मोड। तो सैमसंग की फ्लैशिंग कर लेंगे ना। एक जो सबसे बड़ा एरर आता है बैटरी का, तो अब आपका आएगा क्या? क्योंकि आप अब आप हमें आप ये बताइए कि आपको अगर यहाँ पे 10 फाइलें हैं, चाहे वो मीडियाटेक का हो, चाहे वो क्वालकॉम का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, तो अब आप एक फाइल डाउनलोड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? वो ट्रिक आपको पता है कि नहीं पता है? मतलब कि कई लोगों का सवाल होता है, कई यूट्यूब में भी सवाल होते हैं कि सर हमारी जो 2 फाइलें हैं 10 फाइलें हैं, तो उन 10 फाइलों में से कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलिए मैं अपनी आगे की क्लास करते हैं। तो हमारी स्पेक्ट्रम की क्लास थी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पेक्ट्रम में एसपीडी में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? SCI फॉर्मेट होता है। कौन सा होता है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पेक्ट्रम में कौन सी फाइल आती है? .pack फाइल आती है। आप खड़े हो जाओ, हाँ या तो आप ही खड़े हो जाओ, सैमसंग में किस सैमसंग की बात तो हो गई, सैमसंग की क्लास हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मैं बताना चाहूंगा एसपीडी में किस मोड में फ्लैश होता है? फ्लैश मोड में फ्लैश होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एसपीडी में कौन से टूल यूज होते हैं? 3 टूल यूज होते हैं, एक रिसर्च, फैक्ट्री, अपग्रेड। एक रिसर्च और एक फैक्ट्री और एक, तीनों टूल का इंटरफेस सेम होता है, पर उनमें तीनों का डिफरेंट है, जो कि आपको पता है कि नहीं पता है? तीनों टूलों का जो डिफरेंट होता है वो आपको पता है कि कौन सा टूल रिसर्च में क्या होता है, अपग्रेड में क्या होता है और फैक्ट्री में क्या होता है?
यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि केवल थ्योरी बताया जाता है, मतलब आपको करके दिखाया जाता है कि बस बता दिया जाता है कि एसपी कि बस एसपी फ्लैश टूल होता है आपका, बस ये स्कैटर फाइल होती है, बस दिखाया जाता है कि आपको प्रैक्टिकली मिलता है। चलिए ठीक है, तो जो हमारी क्लास थी, अब हमारे उसमें जो 5 दिन की क्लास में उसमें आईफोन की भी फ्लैशिंग आपको बताई गई है, तो अगर आईफोन आपके पास आता है तो आप फ्लैश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक आईफोन का एक टूल बता दो। iTune कौन सा होता है? iTune. एक टूल आप बता दो। 3U tune. वेरी गुड, एक टूल आपने 3U tune बता दिया। आप खड़े हो जाओ। हमारा जो आईफोन होता है किस मोड में फ्लैश होता है? DFO मोड या iTune मोड बोलते हैं। तो चलिए, हमारे सभी स्टूडेंट का आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे पे 20 के 20 स्टूडेंट ने यहाँ पे रिव्यू दिया है, बट एक स्टूडेंट बच गए हैं, मैं उनको खड़ा करना चाहूंगा। तो इनसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा लास्ट में कि आप हमें ये बताइए, सैमसंग की FRP हमने आपने देखी है कि नहीं देखी है? तो सैमसंग FRP कितने मोड से हटा सकते हैं? दो मोड से। और ये पहला मोड बता दो सर, डाउनलोडिंग मोड और ADB मोड। मतलब दूसरा हमारा, पहला है हमारा डाउनलोड मोड और हमारा ADB मोड। आपने दोनों प्रैक्टिकली देखा है कि नहीं देखा है? अब आप ये बताइए, कॉम्बिनेशन हमारा फेल है कि सक्सेस है? सक्सेस है ना? ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना नाम बताओ और कहाँ से हो? MP से हैं आप, तो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और MMC फुल कोर्स कर रहे हैं, आपका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है, सॉफ्टवेयर में आपको क्या सोचा था और क्या मिल रहा है? सर, सॉफ्टवेयर में मतलब जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा ही मिला है सर यहाँ पे। मतलब आप सॉफ्टवेयर आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ड्राइवर के बारे में पता, फाइलों का नॉलेज, ड्राइवर का नॉलेज, टूल का नॉलेज, ये आपको है कि नहीं है? सर बिल्कुल, वो जो बॉक्स वगैरह टूल वगैरह चलाना नहीं आते थे वो भी सीखे यहाँ पे। चलिए थैंक यू, आप खड़े हो जाओ। आप ये बताइए, एज अ बिल्कुल फ्रेशर हैं कि पहले से सॉफ्टवेयर का काम कुछ करते थे? फ्रेशर हूं। अच्छा, कितने लोग पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे? 2-3 लोग करते थे। अब कितने लोग कर लेंगे? अब सभी कर लेंगे? देखिए, इसमें केवल ट्रिक पे आधारित है कि फाइलों का नॉलेज होना चाहिए, टूल का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी फाइल हमें डालनी है, कौन सा वर्जन हमें चाहिए, क्या चाहिए, कब बूटिंग कराना है, ये सारा चीज आपको विथ प्रैक्टिकल बताया गया है। तो मैं बस लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको सॉफ्टवेयर में कैसा फील हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो, पहले तो मैं ये समझ लो कि कंप्यूटर को भी अच्छे तरीके से नहीं चलाना जानता, आज मुझे दुर्गेश सर ने ऐसा फॉर्मूला दे दिया है कि जिसकी वजह से मैं उस फॉर्मूले में सारे को डिवाइड करके सारे CPU वगैरह को इतने अच्छे तरीके से, यानी सभी को, यानी जो किसी भी कंपनी का हो सभी को, यानी जो है सभी पे सॉफ्टवेयर चला। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपने 12th तक पढ़ा था, अल्फा गामा यह सब आपने पढ़ा था, वो सूत्र कहीं अप्लाई नहीं हुआ, पर आप बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर में एक आपको सूत्र दिया गया है जो कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?